पर पैदा धान अभी आप पिछली बरसाने पूरा चौपट कर दो है और हमारे यहाँ ठोरी से ये लेखपाल जाने कहा हमारा बहन जो मुकद्दर हुई वो दो है अब वो है सुलेमान हाथ पाम से लूज बेटा मैंने कर दिया सर्वे में कहा कर दो सा 400 हेक्टर जमीन आपकी पानी में डूबी भाई बचा दे भैया जी बचा दो या कुछ मिले वो हाँ वो सरकार जाने एक कंडीशन है वो सरकार सुने या की तो परमात्मा ही सुने वो कर क्या मैं जन्म तो खुश रह जाए किसान में कमजोरी है और नहीं सरकार तो हमारे द्वारा पहुंचेगी को सम्मान हम करें मान हम करें वोट मांगते सब करें थे स्वाफा उपाने नाश्ता उपानी करावे क्यों तो भैया जी हमारी सुन लेंगे पर ये ना सुने ये तुम देखो गरीब से गरीब ने कोची बन गई मथुरा में ये देखे ना ये मैंने विधायक विधायक और सांसद सब देखे बारे इन्हें कोची कहाँ से बनी हम वैसे वैसे ही बिल्कुल दुर्व्यवहार हो रहा है इनकी परसेंटेज कोई तो 30% मेरे कहते बताई कछु यो सुन लियो सा एक मिनट हो अब कहवे को बाबू जी जब तक यह सरकार पे दबाव न बनेगो इस सरकार कछु न करेगी। आपका शुभ नाम? सौर्यवर्धन। सौर्यवर्धन आपका परिचय? मैं एक्सएन लोअर मार्ट ब्रांच गंगा कैनाल में दिशा से बनता हूँ। 3 महीने मेरी तैनाती हुई यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से सिंचाई बंधु की बैठक में भी लगातार किसानों ने आरोप लगाया कि आप एचडीओ तो पैसे की मांग करते हैं, काम हो नहीं रहा है और खुद सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष उन्होंने 22 तारीख से भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। जी जी। और उसी के बाद फिर आपके विभाग में चेतना आई है, पहले आती तो ये कदम ही नहीं उठाते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा है यहाँ पे 2 डिवीजन कार्यरत हैं, एक यमुना की नहरें देखता है, एक देखता है गंगा की। यमुना में पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, हमारे गंगा में फिर भी पानी मिल जाता है मैं ऊपर से। और आदरणीय माननीय श्री सुधीर रावत जी से मैंने कल भी वार्तालाप की थी तो उन्होंने ये कहा कि बोले हमने यमुना संगठन की नहरों का विस्तृत दौरा किया है और उसमें उन्होंने कुछ थोड़ी सी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि बोले वो कार्य मेरे कहने के बाद भी ठीक सुधार नहीं आया है उस कार्य। बात एक्सचेंज साहब पानी के लिए बात खुदाई की है, वही खुदाई का मतलब कार्य ही होता है, वही कह रहा हूँ मैं आपसे। और मैंने अपने क्षेत्र के लिए पूछा उनसे तो उन्होंने कहा वो हमें अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी उस तरफ से इतना फीडबैक नहीं आया है। तो अभी आदरणीय पहलवान जी ने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक अपनी माइनर का बताया, वहाँ पे भी उन्होंने ये भी बताया कि 50% खुदाई हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है, टेल गुल की सफाई बाकी है। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया 3 दिन में हो जाएगी। तो उनका एक मांग ये भी है कि गुल पर मुकदमे कर दिए जाते हैं और वो उनकी स्थिति सही बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और अवैध अतिक्रमणों की बात आई है? अवैध अतिक्रमण की हमारे नहीं थे, वो सेक्शन उनका है आगरा कैनाल, श्री बच्चन सिंह अधिशासी बनता है। और टूटी पुलियाओं के पुल को लेकर भी बनाई गई है अभी तक, बाकी कितनी रह गई हैं? बाकी भी करीब रह गई हैं 50 के करीब और रह गई हैं। बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य रुके हुए थे, मेरे आने से पूर्व सुभाष चंद्रा जी कार्यरत थे, उनके कार्यकाल में वो कार्य हुए हैं।